शालीन की एक्स वाइफ दलजीत कौर नजर आ सकती हैं बिग बॉस सीजन 16 में, क्या ये पूरी अपडेट? चलिए आपको बताते हैं। वेल, शालीन से पहले ऑलरेडी उनकी एक्स वाइफ बिग बॉस 13 में नजर आ चुकी हैं। वो जितने दिन भी शो में रही उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ शो पर डिस्कस नहीं करी, और शालीन को हमने ऐसा देखा है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को शो में डिस्कस किया था टीना के साथ, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो हमारा रिश्ता टूटा था, जो हमारा ब्रोकअप हुआ था, वो एक सिली इशू की वजह से हुआ था। ये बात दलजीत कौर को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि शालीन ने किस तरीके से नेशनल टेलीविज़न पर उस बात को डिस्कस किया, उस कॉन्ट्रोवर्सी को डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रोकअप हुआ था वो एक सिली रीज़न की वजह से हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जो 8 साल का है वो नेशनल टेलीविज़न पर ये सारी चीज़ें देखे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बिग बॉस 13 में 15 दिन तक की रही थी, मैंने कभी भी ये सारी चीज़ें बिग बॉस में नहीं की। अगर मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, मैं वहाँ पर अपना रोना रो सकती थी जिससे मुझे सिंपति मिलती, लेकिन कभी भी मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की। अब बिग बॉस में हम देख रहे हैं कि इस बार बिग बॉस का जो अंदाज है वो काफ़ी अलग है। अगर कोई कंटेस्टेंट गलत जा रहा है तो यहाँ पर उसको समझाया भी जा रहा है, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो उसको आगाह भी किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि वीकेंड के बारे में सुम्बुल के पापा आए सुम्बुल को समझाने के लिए। अब हो सकता है कि बॉस के मेकर शालीन की एक्स वाइफ दलजीत को भी बुला सकते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शालीन की एक्स वाइफ दलजीत कौर को अप्रोच किया गया है एक सेगमेंट के लिए, जहां पर वो टीना और शालीन से जो भी रिश्ते की चीज़ें हैं उसको क्लियर कर सके। अब यहां पर दलजीत कौर ने थोड़ा टाइम मांगा है इस चीज़ के लिए, तो हो सकता है कि दलजीत कौर आए। ऑफकोर्स मेकर्स तो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से शो की TRP अच्छी आए, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पहले सुम्बुल के पापा आएँ अपनी बेटी को समझाने के लिए, अब हो सकता है कि दलजीत कौर आएँ बाकायदा अपने एक्स पति को समझाने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि 8 साल का बेटा भी ये सारी चीज़ें देख सकता है और वो नहीं चाहती हैं कि वो ये सारी चीज़ें देखें। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।